कांकेर जिले में सिकसोड़ा थाना क्षेत्र के कड़मे गांव के घने जंगलों में तड़के सुबह हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान डीआरजी पुलिस और बीएसएफ 81 बटालियन के जवानों ने दो नक्सलियों को मार गिराया और घटना स्थल से नक्सलियों का विस्फोटक भी बरामद किया गया। बता दें कि बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने मीडिया को बताया कि मारे गए दो नक्सलियों में एक की पहचान डीवीसी सदस्य दर्शन के रूप में की गई है, जो प्रतापपुर एरिया कमेटी का सदस्य भी था और उत्तर प्रदेश डिविजनल कमेटी का सदस्य भी था। उसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि एक और नक्सली नागे सलाम इस्लाम एक्शन टीम का कमांडर था, जिसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ऑपरेशन के दौरान आज सुबह करीबन 3 बजे डीआरजी टीम और माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान दो माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थी। प्राथमिक तौर पर उसका शिनाख्ती डीवीसी मेंबर दर्शन पद्दा, प्रतापपुर एरिया कमेटी के सचिव एम ए जागे सलाम, नॉर्थ बस्तर डिवीजन कमेटी का स्मॉल एक्शन टीम मेंबर के रूप में भी हुआ है। इसका डिटेल शिनाख्ती की कार्रवाई अभी आगे जो विधि अनुसार की जाएगी, साथ साथ घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में अम्युनिशन और माओवादी द्वारा उपयोग किए गए आर्म्स और डेली उपयोग सामग्री, जो माओवादियों की पिट्टू और उनके अंतर्गत जो रकम भी बरामद की गई थी, और अभी भी लगातार आसपास इलाके का बीएसएफ डीआरजीएम जिला पुलिस बल द्वारा सर्चिंग की जा रही है। दर्शन पद्दा विगत कई वर्षों से इस इलाके में सक्रिय रूप से अनेक घटना को अंजाम दिया, क्षेत्र में एक आतंक का माहौल बना रखने का उनका कार्य रहा। इसी को लेकर कांकर पुलिस एसपी साहब की नेतृत्व में और साथ में बीएसएफ का भी सभी हमारा टीम्स भी रहा, लगातार इस इलाके में कई ऑपरेशंस की गए थे, लेकिन हमको उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त हुआ, जिसमें हमको इनका डेड बॉडी रिकवर किया और एक और माओवादी का भी डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनके ऊपर अभी तक जो रिकॉर्ड के अनुसार 39 जो केसेस थे दर्शन पता के ऊपर, इसके पूर्व में वो एरिया कमेटी के मेंबर के रूप में थे, लेकिन हाल फिलहाल में उनका नॉर्थ पश्चिम डिविजनल कमेटी के मेंबर के रूप में भी वो संगठन में उनका पदोन्नत होकर वो इलाका में अनेक घटना को अंजाम दिया थे। निश्चित रूप से दर्शन पद्दा का इस मुठभेड़ के पश्चात उनकी डेड बॉडी रिकवर की गई, तो उससे इलाके में नक्सल गतिविधि काफ़ी हद तक कम होगा और समाप्त होने का उम्मीद है। और शेष अन्य माओवादी कैडर को भी पूर्व में भी कई बार हम लोग अपील किया है, क्योंकि इस संगठन एक प्रतिबंधित और गैरकानूनी संगठन है और इस क्षेत्र में सिर्फ जनविरोधी और आदिवासी विरोधी विकास विरोधी हरकत ही करते रहे हैं। सीपी माओवादी संगठन का भी किसी प्रकार का एक नैतिक कोई सिद्धांत नहीं रह गई है, सिर्फ एक एक्सटॉर्शन ग्रुप में काम कर रहा है।